नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। चलिए आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस की 12 बजे बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये बैठक होगी। मतगणना के मद्देनजर बुलाई गई ये बैठक। बैठक में संगठन के बड़े नेता भी मौजूद होंगे। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चुनावों के जो नतीजे हैं वो कल यानी कि 10 मार्च को आ जाएंगे, और उससे पहले मतगणना के मद्देनजर कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में संगठन के कई बड़े नेता जो हैं वो भी मौजूद होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से देहरादून में कांग्रेस की 12 बजे बैठक होने जा रही है। बैठक काफी अहम बताया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। देवेंद्र यादव बैठक में मौजूद होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं किस तरह से कल जो है उत्तराखंड में सब कुछ जो रुझान है वो आ जाएंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर सत्ता में कौन काबिज होने वाला है। लेकिन डॉक्टर प्रवीण, इससे पहले आज जो है 12 बजे कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? जी देखिए, निश्चित तौर पर कल मतगणना है और उससे पहले जो तमाम तैयारी राजनीतिक पार्टियों की होनी चाहिए वो हो रही है। कांग्रेस की कल बैठक हुई थी, अहम बैठक हुई थी, उसमें रणनीति पर चर्चा हुई थी कि किस तरह से मतगणना में हम लोग काम करेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं को बताया गया था कि किस तरह से वहां पे रहना है और किस तरह से वहां के जो इनपुट मिलेंगे उसको कहां पहुंचाना है। और आज फिर एक बैठक हो रही है जो देहरादून महानगर है, देहरादून जिला है, उसके तमाम अधिकारी और प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उस वक्त ये चर्चा होगी कि कल के विषय में भी चर्चा होगी। और आप देख सकते हैं कि प्रदेश कार्यालय में गहमा गहमी है और अभी से तमाम सुबह से ही लोग कार्यकर्ता आने लगे हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ ऊपर बैठक होगी और इस क्या बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या एजेंडा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस महामंत्री जो संगठन है वो हमारे साथ मौजूद है। आज बैठक हो रही, कल भी एक अहम बैठक हुई थी, क्या कुछ एजेंडा है इस बैठक? देखिए, काउंटिंग के संबंध में, मतगणना के संबंध में तमाम बातों में चर्चा करनी है। जिस तरीके की अफवाहें फैल रही हैं, बातचीत हो रही है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर रहे हैं, उनको उनका दिशा निर्देश उनको दे रहे हैं। जगह जगह पर हमने पर्यवेक्षक बना के भेजे हैं, जिलेवार भेजे हैं हम। जिला स्तर पर भी ये बैठकें हो रही हैं। अभी आज देहरादून महानगर और देहरादून ग्रामीण जो हमारा जिला है, 10 सीट हैं, 10 उम्मीदवारों के साथ जिला शहर के अध्यक्षगण हैं और कुछ हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, ये सब लोग बैठ के बैठक ले रहे हैं। उसमें तमाम मुद्दों पर तय करेंगे कि किस तरीके से हमने कल काउंटिंग में रहना है और जो बैलेट, जो हमारा पोस्टल बैलेट की गिनती होगी तो क्या सावधानियां उसमें बरतनी है, उसके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और क्या कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से विजय वर्गीज यहाँ पे आए हैं, जो पुराना इतिहास रहा विजय वर्गीज का, उसको लेकर पार्टी डरी हुई है? और उसको लेकर ये खबर ये भी आ रही है कि आप लोग अपने विधायक को या तो छत्तीसगढ़ भेज सकते हैं जीतने के बाद, या राजस्थान शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस कहीं डरी हुई नहीं है। आपको लग रहा है मेरे चेहरे से कि हम डरे हुए हैं? हम तो उत्साह में काम कर रहे हैं और दुगने उत्साह से काम कर रहे हैं। और हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल ये कह रहा है, जिस तरीके से हमको चुनाव में जनता का समर्थन मिला, सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, जगह जगह हमारी रैली, जो रैलियां हुई हैं उसमें भीड़ जो देखने को मिली, उससे जनता का स्वतः स्फूर्त जो उत्साह देखने को मिला, हम उत्तराखंड की महान जनता पर हमारा भरोसा है और हमको निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का आशीर्वाद इस प्रदेश की जनता हमको दे रही है, ऐसा हमको दिख रहा है। और हमारी सरकार